नमस्कार, बीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में आज की बैठक अब तक हुई सैकड़ों सभाओं से होगी बड़ी, इसमें कई लोगों को मिलेगा उत्तर। ज्ञानवापी विवाद में तहखाने के 3 कमरों के सर्वे का काम पूरा, जिलाधिकारी ने कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने की है अपील। और शुक्रवार को प्रेस क्लब में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपना मत रखा। खबरें विस्तार से। आज उद्धव ठाकरे की ओर से एक भव्य सभा का आयोजन मुंबई में किया गया है। इस सभा को लेकर कई तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। सभा की यशस्विता के लिए शिवसेना आश्वस्त है, इस पर अब संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में भव्य रूप से आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सभा से अब महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म होने लगा है। आज सुबह ही राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को आह्वान देते हुए ओवैसी पर कार्रवाई करने के लिए कहकर तंज कसा। साथ ही यह सभा कई दिनों बाद सार्वजनिक रूप से आयोजित हो रही है, जिसके चलते अब उद्धव ठाकरे के रडार पर कौन कौन आएगा यह देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कई लोगों को उत्तर मिलेगा। आज ऐतिहासिक सभा है ऐसा मतलब क्रांतिकारी आज की सभा जी है मुंबईतली, ही आतापर्यंत झालेला 100 सभांचा बाप आहे। म्हणजे मुंबईमध्ये कोविडच्या काळानंतर इतक्या मोठ्या सभा झाल्या नाही। शिवसेनेची सभांची परंपरा मुंबईतल्या विराट अतिविराट अशी आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे हे अशा प्रकारच्या जाहीर सभेला प्रथमच व्यासपीठावर येतील, आणि आपण व्यासपीठ पाहाल आजच्या सभेचं तर आतापर्यंत इतकं मोठं व्यासपीठही मुंबईत निर्माण झालं नव्हतं। अशा प्रकारचं व्यासपीठ आहे, भव्य। शिवसेनेचा संपूर्ण कारभार असतो तो भव्य असतो, आणि आज मैदानात उतरण्याच्या निश्चयानं जिद्दीनं या सभेचं आयोजन आहे। गेल्या 2.5 वर्षापासून आमची हजारो लाखो शिवसैनिक महाराष्ट्रातले मुंबईतले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाची म्हणा किंवा संबोधनाची वाट पाहत होते। गेल्या 2-1 वर्षात उद्धवजींनी नवीन त्या झूम त्या ऑनलाईन पद्धतीनं संवाद साधला, काही ठिकाणी बैठका घेतल्या, पण विराट जाहीर सभा ही प्रदीर्घ काळानंतर होत आहे। महाराष्ट्रातलं देशाचं राजकीय वातावरण आणि या वातावरणावरती आलेला एक मळब, धुकं, गढूळपणा हे आजच्या सभेनं, खास करून माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणानं पूर्णपणे दूर होईल आणि महाराष्ट्राचं आकाश निरभ्र होईल आणि फक्त इथे भगव्या रंगाचाच धनुष्य या आकाशामध्ये तुम्हाला विहारताना दिसेल। अर्थात हे राज्य, हा पक्ष, हा पूर्णपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारानंच आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रेरणेनं चाललेलं आहे। काही लोक हे राज्य बिघडवण्याचा प्रयत्न करतायत, अनेक प्रश्न निर्माण केले, काही अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो। ही जी पोटदुखी आहे, ही जी जळजळ आहे काही लोकांची, त्याच्यावरती मला असं वाटतं आजच्या सभेत। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास कल रात लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जानकारी के मुताबिक ये 4 मंजिला है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कंपनियों को कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शनिवार को वकील कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग परिसर में पहुंचे थे। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर अजय प्रताप मौके पर मौजूद थे। डीएम वाराणसी भी तहखाने में मौजूद थे। सर्वे के दौरान एक और तहखाना मिला। 3 तहखाने का सर्वे पूरा हुआ। टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही है। समय से पहले सर्वे का काम पूरा होने की उम्मीद है। मीडिया को ज्ञानवापी परिसर और मुख्य द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई और 12 बजे तक होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। जिला प्रशासन के अल्टीमेटम के बावजूद इंतजामिया कमेटी ने तहखाने की चाबी नहीं सौंपी थी। सर्वे टीम ने चाबी मिलने के लिए इंतजार किया था। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद बैरिकेटिंग के अंदर मौजूद है। वाराणसी जिलाधिकारी ने कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। शिवसेना शहर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं शहर प्रमुख नितिन तिवारी के संयोजन में शहर शिवसेना के 700 सदस्यों ने एक साथ मिलकर मराठी चित्रपट धर्मवीर का आनंद लिया। धर्मवीर देखने के लिए शहर शिवसेना की ओर से जानकी टॉकीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक किया गया था। नागपुर शहर में शिवसेना परिवार ने एक साथ धर्मवीर मूवी का आनंद लिया। मुक्काम पोस्ट थाने शो पर शिवसेना की ओर से शहर पुलिस उपायुक्त अमितेश कुमार ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए सह आयुक्त रेड्डी, उपायुक्त पखाले एवं धंतुली थानेदार महेश चौहान के साथ शिरकत की, जहां पर विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी द्वारा अमितेश कुमार का भगवा शाल व पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तथा फिल्म शुरू की गई। धर्मवीर चित्रपट देखने पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चतुर्वेदी ने बताया कि शिवसेना नेता आनंद दिघे साहब की जीवनी पर आधारित इस फिल्म ने सभी शिवसैनिकों में जान फूंक दी है। इस फिल्म को देखने के बाद शिवसेना के लिए दिघे साहब का त्याग, बलिदान, बाला साहब के प्रति अटूट श्रद्धा हम सब के लिए प्रेरणा रूप है। इस फिल्म ने शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व पृष्ठभूमि का परिचय दिया है। सभी ने यह फिल्म देखनी चाहिए और अपने बच्चों को आज के समाज में साहसी, निडर और हिंदू संस्कारी बनाने के लिए पालकों से फिल्में दिखाने का आह्वान किया। चतुर्वेदी ने जानकी सिनेमा के व्यवस्थापक आलोक व मोनिश तिवारी का सहकार्य के लिए धन्यवाद किया।
वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेवी चव्हाण की रिपोर्ट। शुक्रवार को प्रेस क्लब में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपना मत रखा। इस प्रेस मीट में डॉक्टर्स, विशेषज्ञ और पत्रकार शामिल हुए। आपको पता है कि दैनिक यशोदति और मैं कोरोना काल में पिछले 2 साल से मैं अकेला ही लड़ रहा था और यशोदति और मैं अकेला ही सवाल कर रहा था कि ये क्या है। मेरा जब लॉकडाउन लगा, आपको पता है कि 22 मार्च 2020 में मेरा पहला आर्टिकल है 15 मार्च का, कोरोना फार्मा कंपनी का माया का। 8 दिन पहले मैंने आर्टिकल लिखा था, तब से जो मैंने लाइव पकड़ी थी उस समय तो मुझे कई लोगों ने बोला कि क्या यार ये सब सरकार इतना बोल रहा है, तुम करते हो तो मोदी विरोधी हो, सब ठीक है लेकिन ये क्या इतना बड़ा है, वो हो रहा है यहाँ का, तो ठीक है पूरे दुनिया में ये कोरोना लग गया है तो ये सारा क्यों चक्कर चला रहे हो, तो मुझे कई लोगों ने उस समय फिर रोका। लेकिन मेरी जो लाइफ थी वो करेक्ट थी और चल रहा था। अभी आपको पता लगा होगा कि 2 साल के अंदर जो नॉट आवर फील्ड बट आवर फील्ड इज टू रीड बिहाइंड द न्यूज, रीड बिटवीन द लाइन्स, ये हमारा काम है। मैं आशुतोष पाठक को दिल्ली से यहां आया है, मैं उसका अभिनंदन करूंगा भाई कि मैं तो आपको पता है, मैं तो वैसा एकदम मूवमेंट पत्रकार हूं, आपको भी पता है, लेकिन मैं आशुतोष का शुक्रगुजार इसलिए हूं कि उसने ये बता दिया कि पत्रकार क्या होता है। ये वही आशुतोष पाठक है जिसने उस दिन इसके शो के अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ को ललकारा और उनको कहा मिस्टर चंद्रचूड़ आप में दम है तो मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए, आप ये मत समझिए कि हम आपके अंडर में काम करते हैं। एक गरीब देश के पॉलिटिशियन को जो बिल गेट्स के यहां नौकरी करता था उसको WHO का प्रमुख बनाया गया, सर्वे शर्मा बनाया गया। क्या हम सबको मालूम है कि गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट कितना है WHO में? प्राइवेट डोनर में 45% डोनेशन गेट्स फाउंडेशन से आता है WHO। सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर राजद्रोह का आरोप झेलने वाली सांसद नवनीत राणा दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित 5,000 साल पुराने हनुमान मंदिर में आरती के लिए पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके विधायक पति रवि राणा और कुछ समर्थक भी थे। दोनों अपने घर नॉर्थ एवेन्यू से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे। आज मुंबई में शिवसेना की ओर से सीएम उद्धव ठाकरे भी एक रैली करने जा रहे हैं। राणा दंपति ने उन्हें चैलेंज देते हुए कहा कि आज हिम्मत है तो सीएम उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा के साथ अपनी रैली शुरू करें, नहीं तो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाएं। बता दें कि AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। नवनीत राणा ने इस पर कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर राजद्रोह लगता है और औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों का स्वागत होता है। वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।